हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर नेम है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था पाइथन प्लसेस के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे माइनस के बारे में। मतलब हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था एडवांटेजेस के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज यानी माइनसेस के बारे में। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट है नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, ऐसा क्यों है, जो पाइथन है वो एग्जीक्यूट करने में कैसी वैल्यू है, स्लोअर है देन कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब पाइथन क्या है, स्लोअर देन अदर लैंग्वेज, एग्जीक्यूट कराने में स्लोअर है। कैसे स्लोअर है, आपको पता है कि हमारा जो पाइथन है वो कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर यूज करता है, हमने बताया था प्रीवियस क्लास में बताया था, और इससे पहले भी आपको 10th में 9th में बता चुका हूँ, जो हमारी पाइथन है वो इंटरप्रेटर यूज करता है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, नॉट अ फुली कंपाइल्ड वन, पूरा कंपाइल्ड नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत चीज जो कंपाइल होती है वही केवल पाइथन यूज करता है, बाकी क्या है, पूरा इंटरप्रेटर है। ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं जो कंपाइल में यूज होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो हमारा जो हम पाइथन भी यूज कर रहे थे उन फंक्शंस को। ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं, बहुत कम फंक्शंस हैं जो हमारा पाइथन यूज करता है, इसलिए क्या है, नॉट अ फुली कंपाइल्ड वन, पाइथन इज फर्स्ट सेमी कंपाइल्ड इनटू एन इंटरनल बाइट कोड, केवल बाइट कोड को चेंज करने के लिए ही कंपाइल यूज करता है। जैसे जावा लैंग्वेजेस है, एक होता है सोर्स कोड, एक होता है बाइट कोड, तो सोर्स कोड के दो टाइप के कोड होते हैं, पहला होता है सोर्स कोड और सेकेंड होता है बाइट कोड। ठीक है, तो सोर्स कोड होता है वो जो हम लोग लिखते हैं रिटन बाय द प्रोग्रामर, वो होता है सोर्स कोड, जो हम इंग्लिश में इंग्लिश का यूज कर जो जिसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। जब हमारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर इस सोर्स कोड में मशीन कोड में चेंज कर देगा तो ये किस तरह का कोड होगा, मशीन कोड होगा, मशीन कोड होगा, मशीन लैंग्वेज, जो हमारा जो मशीन लैंग्वेज समझेगा वो ये वाइट कोड समझेगा। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप समझ नहीं सकते इसमें क्या लिखा हुआ। ठीक है, वो केवल हमारी जो मशीन है, मशीन लैंग्वेज है, वो ही समझ सकती है ये वाइट कोड क्या है। ठीक है, तो ये वाइट कोड में भी चेंज होता है, बस इतना ही कंपाइलर यूज होता है, बाकी बिल्कुल भी यूज नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इंटरप्रेटर हमने बताया था आपको, ये लाइन बाई लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। ठीक है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन जो जावा वगैरह है वो कंपाइलर यूज करता है, तो वो होल प्रोग्राम चेकिंग होता है, मतलब एक बार में ही पूरा प्रोग्राम को चेक करके एग्जीक्यूट करा देगा एक साथ। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंटरप्रेटर में लाइन बाई लाइन चेक करेगा, पहली लाइन चेक करेगा इसमें एरर तो नहीं है, फिर दूसरी लाइन चेक करेगा, मतलब ऐसी लाइन बाई लाइन चेक करेगा जिससे उसे एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है, इसलिए क्या है, नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, समझ आएगा आपको। सेकंड देखिए, लेसर लाइब्रेरीज, इसमें जो लाइब्रेरीज हैं पाइथन में बहुत कम लाइब्रेरीज यूज होती हैं पाइथन में। ठीक है, अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में, ठीक है, पाइथन ऑफर्स लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, बट इट्स लाइब्रेरी इज स्टिल नॉट कंपिटेंट विद लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, एज दे हैव लार्जर कलेक्शन ऑफ अवेलेबल, मीन जो हमारा पाइथन है वो जो हमारी सपोर्ट कर रही है, जो लाइब्रेरीज हैं, जो लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल किया है पाइथन के साथ, ठीक है, कुछ लाइब्रेरीज हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं, कुछ लाइब्रेरीज, मतलब आप ऐसे कंपेरिजन देख सकते हैं, अगर आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो साथ में कुछ लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल होती हैं, तो जब आप पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे मुश्किल से
5 मिनट का टाइम लगेगा और आपका पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही जावा इंस्टॉल करें तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मोर लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज जावा में होती हैं, इसकी वजह से उनको इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है, जावा को इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर में टाइम लगता है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा होती है एंड्रॉयड के लिए, जो एंड्रॉयड ऐप बनता है, जो लैंग्वेज के अंदर यूज़ होती है, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो है जिससे एंड्रॉयड डेवलप किया जाता है, अगर उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक आपको उसको इंस्टॉलेशन करने में लगेगा। सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी उसी में ही यूज़ होती है एंड्रॉयड में ही, ठीक है। उसमें ज़्यादा मतलब जितना टाइम इंस्टॉलेशन में लगेगा, समझ सकते हैं आप कि उसमें लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा होगी। तो पाइथन को इंस्टॉल करने में हमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा और आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें लेस लाइब्रेरीज है, कम लाइब्रेरीज है, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है। ऐसे तो हमें जावा में भी अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ऐसे तो हमें एंड्रॉयड में भी अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें लाइब्रेरीज क्या होती हैं? बहुत थोड़ी होती हैं। और इसमें और अदर लैंग्वेज जैसे C++, जावा है, इसमें क्या है, लार्ज कलेक्शन अवेलेबल होता है लाइब्रेरीज में। फिर इसमें नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। फिर टाइप बाइंडिंग मतलब क्या है यहाँ पे? Python interpreted is not very strong on catching type mismatches. Mismatch issues इसमें होता है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। Mismatch issue क्या होता है, जैसे कोई आपने देखा होगा जब हम लोग अपने मोबाइल में कोई पासवर्ड डालते हैं, ठीक है, जैसे ऐप लॉक पासवर्ड होता है, तो आप देखेंगे कोई फाइल ओपन होती है, आपने क्या किया, कोई फाइल ओपन किया था उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, पहले से आप ओपन किए थे उसको, अचानक आपने बंद किया, फिर ऑन किया फ़ोन, तो अचानक देखेंगे वो सारी डिटेल्स दिखा दे रहा है, फिर उसके बाद उसको लॉक कर रहा है, तो ये मिसमैचिंग होती है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप अपना मोबाइल से कोई व्हाट्सअप है, ठीक है, व्हाट्सअप में आप ऐप लॉक लगाए हुए हैं, उसमें यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं व्हाट्सअप, मतलब कोई काम आ गया, आपने क्या किया, पावर मतलब उसको बंद कर दिया, ठीक है, और अचानक फिर से आपने खोला तो आप देखेंगे जो व्हाट्सअप ओपन है आपका उसमें सारे मैसेज दिख गए, फिर कुछ सेकंड बाद वो फिर लॉक हो जाएगा। मतलब ये मिस वजह, जब उसने सब चीज़ दिखाई दिया है तो लॉक किस बात का हुआ, ठीक है, जैसे पासवर्ड दिख गया है हमें तो फिर किस बात का मैं पासवर्ड पड़ा हुआ उसमें, मतलब हमारी सारी डिटेल दिख गई है, उसके बाद लॉक हो जा रहा है वो, तो क्या फ़ायदा है लॉक लगाने से। मतलब जब भी हम उसमें लॉक लगाएं, तो जब भी हम ऑन करें उसको, तो पूरा वहीं से लॉक स्क्रीन होके आए, हमें कुछ भी नहीं दिखना चाहिए उसमें, तो ये मिसमैचिंग होता है, कभी कभी मिसमैचिंग हो जाता है, ये मिसमैचिंग होता है, पासवर्ड का मिसमैचिंग हो जाता है, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है इंटरप्रेटर, हमारा जो इंटरप्रेटर है ये कन्फ्यूज हो जाता है कभी कभी हो जाता है, नॉर्मली वो नॉर्मल नहीं है, मतलब कभी कभी हो जाता है, मतलब 1000 में 1 बार ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। वैसे पाइथन बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सुनवाया, तो ये टाइप बाइंडिंग सीख कहते हैं, मतलब बहुत सारे फाइल्स मिसमैच हो जाती है, ठीक है, कभी कभी आप देखेंगे मिसमैच हो जाती है, सुनवाया। तो ये 3 क्या थे माइनसेस थे, सुनवाया होगा आपको, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, इसके आप नोट सुना लेना।